आओ ना यार, क्या हो गया? चीज दिखा दी तुम्हें। अबे यार आजा जल्दी आओ। कुछ भी नहीं होगा ऐसे की ड्रामे ड्रामे। ये देखो क्या हुआ यार, ये किसी चिड़िया ने घोंसला बनाया और इतना करीब हम आराम से इसको देख सकते हैं। तो अभी तक खाली है ये। अच्छा, तो पता नहीं अंडे कब देगा ये। अंडे कब देगा नहीं, इसमें चिड़िया अंडे कब देगी। मैंने अभी देखे ना यार, इतना खुशी हुई है। पहले उस बुलबुल ने यार काफी ऊंचा घोंसला बनाया हुआ था, लेकिन ये कौन सी चिड़िया है इतना नीचे इसने अपना घोंसला बना लिया। और मुझे आपने बताना है दोस्तों कि ये किस चिड़िया का है, बुलबुल का है या कोई और चिड़िया? वो कैसे बताएंगे, तुम खुद देख लो। छोटी चिड़िया है, कोई फिंच वगैरह, मतलब जैसे हमिंग बर्ड वगैरह होता है उनका है ये। यार ये बहुत छोटा है, मुझे अंदाजा नहीं हो रहा किसका हो सकता है। चलो तो ये देख रहे हैं, बहुत खुशी। जब आएगी फिर पता चल जाएगा। अभी यार वो घास तोड़ना था, रैबिट के लिए जो है वो भूखे हैं। यहाँ से तोड़ दे तो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो यार रैबिट्स का खाने का टाइम हो गया और थोड़ा सा घास हम यहाँ से तोड़ लेते हैं। चलो मजे से खाओ। यार हमारे लवबर्ड्स का पानी खत्म हो पड़ा है, तो हम अपने सबसे पहले लवबर्ड्स को पानी दे देते। कहाँ गए? क्या लवबर्ड? वो अंदर चले गए। देखो वो अभी आवाज आई है मुझे, मैंने कहा कहाँ गए? इधर गए यार, इधर अंदर छुप जाते हैं। वाह वाह, ये डर गए तुमसे। यार मैं तो इनके लिए पानी रख रहा हूँ, ये कैसे डर गए? प्यास लग रही होगी इनको, तो ये हम सेट कर देते हैं पानी। और अंडा तो नहीं दियो यार, उन्होंने बोला था कि ये ब्रीड कर लेंगे। अच्छा हाँ, देख लेते हैं अभी। देख लेते हैं यार, देखो अभी निकल आए ना, आप देख सकते हैं। अगर अभी खोल लेते हैं फिर तो भाग जाते हैं यहाँ से, है ना? ये नहीं है अंडे अभी नहीं है तो दे देंगे। ये मेल फीमेल कन्फर्म है ना थोड़ा? यार मुझे काफी भाई कमेंट्स में कहते हैं कि भाई ये दोनों मेल है, तो उस भाई ने बोला कि यार ये पेयर बना हुआ है। अब समझ नहीं आ रही यार ये मेल है या फीमेल है, तो आपने मुझे आज कमेंट बॉक्स में स्पेशल बताना है कि इनके मेल और फीमेल का डिफरेंस क्या होता है। तो आप करीब से देख लें ये हमारे लव बर्ड मेल हैं या फीमेल हैं दोनों या पेयर है, तो लाजमी बता दीजिएगा। तो चलो यार इनको अकेला छोड़ते हैं, डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे लगता है ये स्ट्रेस में आ रहे हैं। चलो चलो चलो, आ जाओ कबूतरों को खोल रहे हैं। चलो तो कबूतरों की बारी आ गई यार, क्योंकि शाम हो रही है और दोपहर से ये बंद हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये सारे अब बाहर निकलेंगे और इनको हम दाना भी डाल लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो दोस्तों सारे कबूतर बाहर निकल आए हैं और हमारी मुर्गियों और रैबिट्स एक साथ घास खा रही हैं। रैबिट्स को भी घास बहुत पसंद है और मुर्गियों को भी घास बहुत ज़्यादा पसंद है, तो दोनों मज़े ले रहे हैं घास का। गंजी मुर्गियाँ और हमारे ये चीता मुर्गी हैं, मुझे जो यार इनका नाम नहीं पता, मैं इनको चीता चीता करके बुलाता हूँ क्योंकि ये चीते की तरह दिखती हैं। तो अभी यार हम कबूतरों को दाना डालते हैं। और आपको एक चीज दिखानी थी दोस्तों, दिखानी नहीं बतानी थी, बताना ये था कि हमारे जो तितर थे मैंने सारे के सारे अपने फ्रेंड को दे दिए, क्योंकि यहाँ पर जो दो बच्चे हुए थे ना काफी सुस्त लग रहे थे। मुझे भी डर लग रहा था कि यार पता नहीं ये इनको कुछ हो ना जाए। तो उसके पास बहुत सारे बर्ड्स हैं, तो मैंने उसको बोला यार एक तितर भी तुम्हारे पास है, ये दो भी तुम रख लो, जब बड़े हो जाए ना, जब ब्रीडिंग करें ना, मुझे फिर दे देना। तो अभी तुम फिलहाल तुम अपने पास ही रखो। तो हमारे पास जो तितर थे सारे के सारे चले गए हैं, वहाँ पर सेव होंगे, क्योंकि यहाँ पर यार कच्ची जमीन नहीं थी तो बहुत ज्यादा सुस्त लग रहे थे और मजा नहीं आ रहा था उनको। तो सही किया मेरे हिसाब से, तो मैंने ठीक किया और टिप्टैन को भी मेरे ख्याल में सही लगा होगा ये आइडिया, क्योंकि हाँ ठीक है जो तुमने किया भाई, तुम्हारी चीज है, मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं यार वो वहाँ पर अच्छे रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। हा? चलो कल जो हम तोती लाए थे ना ये वाली, ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर रह रही है और बहुत ज्यादा खुश है। मुझे लगता है कि जल्दी से इस तोती का उस तोते के साथ पेयर लग जाएगा और फिर ये अंडे भी देने लग जाएंगे और मटकियों में आना जाना शुरू हो गया इन सब का। तो अभी फिलहाल जो हमने काम करना है ना, ये काम करना है कि जो कबूतर है ना दोस्तों, ये वही बच्चा है जो हमने एक कबूतर का अंडा एक डव के नीचे रखा था और ये बड़ा हो गया। अब मैं जा रहा हूँ कि इसको हम पकड़ लेते हैं और इसको बाहर छोड़ते हैं। क्या बात क्या बात यार, गर्मी यार ज़्यादा नहीं है वैसे? कल वैसे बारिश वाला मौसम था, ठंडी ठंडी हवा थी, जो ही सूर्य निकलता है ना फौरन गर्मी हो जाती है, पता नहीं क्या यार, इतना समझ नहीं आती यार मौसम की भी। चलो छोड़ते हैं यार इसको। तो ये दोस्तों आज से आजाद, जाओ ओ आजाद परिंदे, इस घर में रहना तुम, बाहर ज्यादा दूर नहीं जाना। इसको यार समझा दो, उड़ गया तो फिर
भाई ये जब बिल्ली आएगी ना इसका कोई ठिकाना नहीं होगा, फिर ये उड़ जाएगा कहीं ना कहीं चला जाएगा। यार वैसे सीता ने कबूतर के साथ पेयर बनाएगा क्या? कबूतर के साथ? क्योंकि ये तो डव के साथ रहा है ना, बच्चा था छोटा सा, अंडे से क्यों नहीं बनाएगा? उसको पता है, उसको पता है वो कबूतर है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है उसको। देखो अभी से बन जाएगा, वो पीछे आ गए इसके, देखो ये भी आ गए, ये मेल है इसका, मतलब इसके पीछे लगा है वो भी मेल है, दोनों मेल है माशाल्लाह। दोस्तों वो देखिए, ये जो इस्लामाबाद से खुमरे आए थे ना वाइट अल्बाइनो, ये आपस में मस्ती करने लग गए। और देखिए ये मेल है ऊपर वाला, और नीचे जो है ये फीमेल है, तो ये जल्द से अंडे देने वाले हैं, है ना। हाँ इनका बच्चा भी बड़ा हो गया, वो है इनका बच्चा, वो देखें दोस्तों। और ये है इसके पेरेंट्स, तो चलो यार ये तो अच्छा हो गया। और आपको एक और चीज़ भी दिखा रही है दोस्तों, हमारी खुमरे ने दोनों बच्चे निकाल लिए हैं, कल एक बच्चा निकला हुआ था, आज दो बच्चे निकल चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह, ये आ गए यार, एक वाइट है और एक मेरे ख्याल अपने बाप पर गया, एक माँ पर गया। ये देखें ये वाइट वाला है, ये है ब्राउन वाला, दोनों की आंखें बंद है ना, अभी तो छोटे हैं ना, कुछ दिनों के बाद निकले। चलो यार इसको हम रखते हैं वापस। यार एक बात बता रही थी तुम्हें मैंने। हाँ क्या चीज? मैं कल गया था मार्केट, ठीक है, वहाँ पे मैंने देखे थे, कुछ नहीं है भाई, वहाँ पे मैंने इतने प्यारे कबूतर देखे हैं ना, जैसे मैंने मुर्गे का बताया था ना, वैसे ही मैं कल मार्केट गया था, और वो आगे दूर वाली वहाँ पे मैंने कबूतर देखे हैं, बहुत प्यारे। तो चलें यार, अभी सिपैन ने बोला है कि कबूतर मैंने देखे थे कल, पिछले दिनों इसने मुर्गे का बताया था, तो मुर्गा भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, आज कबूतरों का बता रहे हैं, तो कबूतर भी आई थिंक अच्छे ही होंगे, तो इसकी प्राइस अच्छी है। चलते हैं यार, चलो यार चलो ले आकर आते हैं। ये थोड़ी सी मुझे और पड़ी है ना उधर, है ना वो देखो, ये देखो ये सही है, इनको यहाँ पर छोड़ा नीचे, सही है, सिलिंग ही कर देंगे। तो फाइनली दोस्तों हमने आज लकी कबूतर ले लिए, और वो भी ब्लैक वाले, और भाई ने पैक भी कर लिए हैं, तो हम ये लेकर जा रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, जितना जल्दी हो सकेगी हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो सिपाही इसको पकड़ लो यार और चलते हैं हम घर। भाई बाइक यहाँ पे खड़ी हुई, और यार कुत्तों से डर बहुत लगता है हमें। यार एक मिनट नहीं काटता ये, अरे नहीं काटता भाई, ऐसे डर रहे थे, फिर भी यार काट सकता है, जानवर है। चलो चलो चले यार, हम तो चले। फाइनली यार हम लेके आ चुके हैं, और तो यार अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में बहुत ही प्यारे कबूतर आ गए, और ये लकी ब्रीड है और प्योर ब्लैक ब्रीड है, तो बहुत खूबसूरत यार मक्खियां देखी हैं, हुई हुई हुई, मैंने तो नोट नहीं किया भाई, सफाई नहीं कर रहे हम दो तीन दिन से, और घर में भी मक्खियां, इतना मक्खियां ही मक्खियां, मक्खियां अभी हल नहीं हो सकता क्योंकि मौसम ही ऐसा है, इस महीने में बहुत ज्यादा मक्खियां होती हैं, हम जितना कोशिश करेंगे मक्खियां बढ़ेंगी। अच्छा वैसे परिंदों के लिए ठीक है, खाती खाएंगे पिएंगे, हमारी टर्की बर्ड बहुत शुक्रिया। ये बात भी है यार, हम इनको खोलते हैं, और ये देखें एक नर है एक मादा है, और उसने तो ऐसे बोला था, पर नहीं यार देखते हैं क्या होता है, पर बंधे हैं, पर बंधे तो हुए हैं, और यार कितने प्यारे हैं और प्योर ब्लैक, और लगे हैं यार ये, पहले एक को खोलते हैं, इसके पर देख लेते हैं, तो इसके पर कटे हुए हैं, कटे हुए हैं, ओहो क्या बात है, क्या बात है, बिठाते हैं यहाँ पर, बैठ जाओ आराम से, भागना नहीं है, ओए होए होए क्या ही बात है यार, कितना खूबसूरत है सिपैन, ये सही बात है, ये फीमेल है जो भाग रही है ना, मुझे शक है इस पे, ये मेल है ना, तो आप ये आ गया, आहा उड़ने की तैयारी भाई अभी से, इतना प्यारा सेटअप है, इधर रहो तुम, ऊपर जाके बैठना इन्होंने, ये ऐसे अब सही है अब फिट है, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं यार आपस में, और इसका जो है ना ताज बना हुआ है, इसका ताज नहीं है, है ना, तो भाई आ जाओ, शाबाश शाबाश, जाओ भाई तुम भी जाओ, और तुम तो खुद ही चले जाओ, ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ देखे यार, अब देखते हैं कौन सा कबूतर आता है इनके पास, ये देखें, ओह टर्की बर्ड ने भगा दिया इसको, उसने कहा पता नहीं क्या मेरी नस्ल की कोई चीज़ आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कबूतर दोबारा आएगा इसके पास, देखना आप ये ज़रूर आएगा,
इसने तो आना ही था, मैंने बोला ये ज़रूर आता है, हर फीमेल के पास आता है ये। इसको छोड़ दो, मोटे नाक वाले को छोड़ो। अब एक काम करते हैं, इनका पिंजरा बनाते हैं, जो तितरों वाला भी है, एक और भी है ना हमारे पास, एक ही है वो। ले आओ ले आओ ले आओ। ये गया दोस्तों नए घर में ऐसे, और ये भी गया ऐसे। पता है इनको कहाँ रखना है हमने? कहाँ? ये रहे लव बर्ड्स, और इनके सामने यहाँ पे खला है, और बिल्कुल सामने यहाँ पर लगाते हैं हम गोट फार्म में। चलो ठीक है, सही है ना? बिल्कुल फिट है, फिक्स हो गया है। तो माशाल्लाह कितना प्यारे लग रहे हैं यार। इधर टेढ़ा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं ठीक है बिल्कुल। ये वेरी गुड। ये देखें अभी खाने के लिए भी आएंगे क्योंकि भूखे होंगे। पानी का कलर देखें आज आप, कल मैंने आपको दिखाया था पानी कितना साफ और शफाफ था, और आज देखें ये येलो येलो होना शुरू हो गया है। पता नहीं कैसे ये गंदा हो जाता है, समझ नहीं आती, कुछ भी नहीं अंदर, ना मिट्टी गई है ना कुछ और, लेकिन एक ही दिन में कल साफ सुथरा था और आज पानी में ना वो एल्जी पैदा हो जाती है जो सबस कलर की नहीं होती। हाँ वो उसकी वजह से पानी फिर ग्रीन ग्रीन नजर आता है। अच्छा यही वजह होती है और कोई वजह नहीं होती। और चलो यार पानी तो रखे, चलो आज खाना खा रहे? नहीं अभी तक तो नहीं खा रहे, खाएंगे। हो गया ठीक है दोस्तों। ब्लैक लकी तो हमारे सेटअप पर आ गए हैं, और अब थोड़ा सा डर ये लग रहा है कि इनके ऊपर बिल्ली का हमला ना हो जाए, क्योंकि यार बिल्ली ना पिंजरे के ऊपर अटैक कर देती है और समझ नहीं आती यार कैसे। एक आइडिया बताऊं? हाँ। ये देख रहे हो कैसे बिल्ली डर जाएगी भाई, हम खुद डर जाते हैं। ये देखो खौफनाक है बहुत। इसके रखने से ना बिल्ली नहीं आएगी, क्योंकि हमारी बड़ी मुर्गियों से डरती है ना बिल्ली। हाँ। तो मतलब इसका ये हुआ कि बड़े जानवर से डरती है, तो इसको भी वो जानवर समझेगी, और वो समझेगी कि भाई इससे जो है ना मैं नहीं बचने वाली, ये कोई खतरनाक चीज है। ऐसा है कि नहीं है भाई? आपने बताना कि मैंने सही क्या नहीं किया। ये है कि कबूतर ना डरे, लेकिन मुझे लगता है ठीक है, बस ठीक है, बस फिर कुछ नहीं होने वाला। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।